स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, मॉड्यूल 2 डे 6 प्रोस्पेक्टिव बिल्डिंग्स। अगर कोई डाउट है, क्योंकि ये लेसन का नेम पहले भी आया है डे 4 में और 6 में भी है, सो ये दोनों में ही है, मुझे भी कंफ्यूजन था। क्लियर? डे 4 में भी है, डे 6 में भी है, सेम नेम। ओके, सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगी। देन अगर आप न्यू विजिटर्स हैं स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, तो प्लीज़ मेरे से कनेक्ट होइए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन पे भी। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पार्ट ए बी सी नहीं, सिर्फ यही है, सो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी वीडियो। ओके, सो अंडरस्टैंड दैट प्रूफ रीडिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एरर फ्री राइटिंग। ओके, देखिए इसमें आपको एरर फ्री राइटिंग सीखनी है। एरर फ्री मीन्स कोई एरर होना नहीं चाहिए। सो अपने आप को और ज़्यादा प्रिपेयर कीजिएगा मॉड्यूल से पहले, आपकी जब क्लासेस हो एफए की, ये मॉड्यूल हो मॉड्यूल टू डे 6। सो प्लीज़ अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा, एरर फ्री राइटिंग लिखनी है। ओके, प्लीज़ इस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैं दो चीज़ों में बहुत वीक थी, एक प्रोनंसिएशन एंड राइटिंग। ओके, राइटिंग के लिए आपको क्या करना है पता है? प्रैक्टिस कीजिए, देन वोकैबुलरी को बिल्ड कीजिए। वोकैबुलरी मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्रेजेस एंड इडियम्स, जो कि आपको नेटिव स्पीकर कितना एडवांस लेवल में हेल्प करते हैं। ओके, एंड एडवर्ब्स एज वेल। सो ये सब चीज़ों को इंक्लूड कीजिए, री राइट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, क्योंकि ये अभी जो टाइम आपके पास गोल्डन चांस से फिर नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि इस चीज़ को मैं फील करती हूँ, दैट्स आई एम मेड दिस वीडियोज़ फॉर यू स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। गोल्डन चांस है ये एफए का, फिर नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप आगे चल के वर्क में लग गए, फैमिलीज में लग गए, देन अपॉर्चुनिटीज हमेशा नहीं आती। अगर आप अभी एफए क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। जो आप सीखोगे वो आपकी लाइफ स्किल को ग्रोथ करेगा, ठीक है? समझ गए ना? इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देन नेक्स्ट है आपका लर्न प्रूफ रीडिंग ट्रेजरीज थ्रू डिस्कवरी यूजिंग आ चेकलेट्स। ओके, प्रूफ रीडिंग रीडिंग की ट्रेजरीज क्या है वो आपको सिखाई जाएगी, और प्लीज़ उसको सीखिएगा पॉइंट टू पॉइंट, और नोट्स बनाइएगा, ठीक है? नोट्स बना सकते हैं एंड रिकॉर्डर ले जा सकते हैं, जब जैसे मैम ने जो समझा दिया और फिर आप भूल गए, तो आप एक तो नोट बना सकते हो, देन अपने साथ एक पेन का रिकॉर्डर आता है ना, वो बहुत 400 to 500 आता है, अगर आप वो ले जाएं, उससे आवाज़ रिकॉर्ड कर लें अपने फैसिलिटेटर की, देन वो भी आपको यूज आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। जो मैम आपको सिखाती हैं, देन वो आप सीख सकते हो, या फिर आप जो नेक्स्ट क्लासेस हैं, अलग अलग बैचेस हैं, उसमें भी आके रीलर्न कर सकते हो। ओके, लेसन्स को, तो ये भी फैसिलिटी आपको वहाँ दी जाती है, सेशन से पहले, सेशन के बाद आप और भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। लाइब्रेरी बुक्स हैं वहाँ पे, लाइब्रेरी भी रहती है एफए में, उसका भी बेनिफिट आप इजीली उठा सकते हो। और मेन चीज़, हमें एक रुपया नहीं देना होता है, सो प्लीज़ अच्छे से सीखिए इसको, ठीक है ना? देन नेक्स्ट आपका है, ओके, स्टूडेंट्स ने नेक्स्ट आपका है एक्सपेंड परस्पेक्टिव फ्रॉम वीक टू ऑफ द मूक। देन आपको मूक्स भी लर्न करना है उसमें, और ज़्यादा जो 2 वीक्स में आपने लर्न किया है, क्योंकि देखिए रीलर्न आपको इसलिए कराया जा रहा है ताकि जो आपने सीखा है वो आपके ब्रेन में ज़्यादा एज अ हमेशा के लिए फिट हो जाए, इसलिए आपको बार बार वो चीज़ समझाई जा रही है। देन आप जब भी एफए कंप्लीट करो, तो आपकी जो आप एफए स्टार्ट करने से पहले थे, स्टार्ट फिनिश करने के बाद जो आपका ग्रोथ होगी ना, वो आप महसूस करोगे, ठीक है ना? आपको बिलीव नहीं करोगे, इन अ पास्ट मैं बहुत शाय थी, मैं किसी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाती, एकदम शाय और घबराहट, हेजिटेशन, आपको पता है? अब मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं किसी ग्रुप ऑफ सेशन में भी मैं सबसे ज़्यादा बोलती थी। अब अनीता मैम बोलती थी, मंजू प्लीज़ कीप क्वाइट, और यानी और स्टूडेंट को भी बोलने दो। तो जो फियर है ना, एफसीओ में फियर लेस बनाता है, फ्रंट ऑफ पब्लिक स्पीकर बनाता है। तो मैंने ये चीज़ इम्प्रूव की है, और बोलने का
जो कॉन्फिडेंट लेवल है ना वो मुझे FEA से मिला है, ठीक है। सो मैं FEA अनीता मैम एंड अंजू मैम को बहुत थैंक्स करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ये चीज़ मेरे अंदर बिल्ड की। थैंक यू सो मच अनीता मैम। ओके सो स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, रिव्यू प्रोग्रेस एंड लैंग्वेज मिनिमम पेयर्स एंड ग्रामेटिकल एरर, जो कि हमने प्रीवियस में भी करा है, ये तो आपको पता ही होगा। मिनिमम पेयर्स एंड ग्रामर एरर फ्री आपको बनाया जाएगा, देन उस पर फोकस करना होगा, ठीक है। सो मैं लिंक शेयर करूँगी, मैंने प्रीवियस मॉड्यूल में करी वही लिंक शेयर करूँगी जिससे कि आपको हेल्प हो जाए, और भी ग्रामर से रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। चलिए थोड़ा नेक्स्ट देख लेते हैं। बुक से लिया है एक्टिविटी बुक की, जब ये नॉर्मल बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जो हमारी गाइड बुक है एडवांस लेवल की, ये जब फिनिश होगी उसके बाद में एडवांस लेवल एक्टिविटी बुक कंप्लीट करूँगी, क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड थी कि जो फर्स्ट बुक है, जो गाइड बुक है, उसको पहले सिखाइए, उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा था स्टूडेंट्स का। तो मैं, वो कह रहे मैम हमें जल्दी अपलोड कीजिए, काफ़ी सारे आपके मैसेजेज आ रहे थे। सो जब ये जल्दी जल्दी कंप्लीट करके देन एक्टिविटी बुक स्टार्ट करूँगी, ठीक है ना। सो ये एक्टिविटी बुक में से मैंने लिया है जी, आपको इसी बुक के साथ करना है, क्योंकि दो बुक आपके एक साथ चलती है, एक में आपको गाइडलाइंस दी जाती है, देन दूसरे में आपको राइट डाउन करना होता है, सॉल्व करना होता है प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। सो आपको इसमें प्रूफ रीडिंग करनी है, ये जो है पैराग्राफ, इसमें प्रूफ रीडिंग करनी है, इसमें पंचुएशन, देन पंचुएशन एरर, स्पेलिंग एरर, ये सारी चीज़ें आपको, कैपिटलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें ढूंढनी है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको रीराइट करना है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आज के लेसन में इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं था, शॉर्ट में था। आई होप आपको ये यूज़फुल लगा होगा। यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं चलती हूँ एक और मॉड्यूल बनाने के लिए, तब तक लेटा टाटा बाय।